हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें सोल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, ये रही, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, रूट टू एक्स प्लस के रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। इससे पहले x की वैल्यू निकालूंगी मैं, ठीक है। तो रूट टू एक्स इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा रूट थ्री वाई, ठीक है। यहां पर तो जीरो ही था, रूट टू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर रूट टू डिवाइड कर दिया मैंने y, ठीक है। अब x की ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको मैं सेकंड में पुट करूंगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है हमारी ये, रूट थ्री एक्स माइनस के रूट एट वाई इक्वल टू जीरो। ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो रूट थ्री एक्स की जगह पे ये रखेंगे, माइनस के रूट थ्री बाय रूट टू वाई, एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। यहां पर रख दी मैंने एक्स की जगह, माइनस के रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहां पे इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस। इसके बाद रूट थ्री की रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करनी है, रूट थ्री की रूट थ्री के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हो गया रूट थ्री का स्केयर, क्योंकि टू टाइम्स है। इसके बाद स्केयर से स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच गया हमारा थ्री, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माइनस के थ्री बाय में रूट टू और ये वाई, ठीक है, और ये है माइनस का रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके नीचे है रूट टू और इसके नीचे है वन हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां पर इन दोनों का एलसीएम होगा, तो इसके बाद रूट टू और वन का एलसीएम जो होगा वो होगा रूट टू, ठीक है। अब यहां पर और यहां पर सेम है, तो ऊपर वाला आता है, यानी कि माइनस के थ्री वाई आएगा यहां पर हमारा। अब वन को इससे डिवाइड किया तो रूट टू ही आएगा, तो रूट टू को ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रूट टू मल्टीप्लाई रूट एट और साथ में वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आया माइनस के थ्री वाई और ये है रूट टू को एट से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू को रूट एट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एट टू जा 16, ठीक है, और स्केयर रूट। अब रूट 16 कितना आएगा यहां पर हमारे पास, ठीक है, ये होता है 4 का स्केयर, 16 जो होता है वो होता है 4 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, ये आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, इस सारे को सोल्व किया है, देखो हमारे पास आया है, यहां पे माइनस है, इस सारे को सोल्व किया है, देखो ये हमारे पास आया 4, ठीक है, और y। अब ये रूट टू इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जीरो, और ये जो है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इन दोनों को एड कर देंगे, थ्री और फोर कितने हो गए 7, वाई और इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो इसके साथ भी माइनस आएगा, ठीक है। अब ये माइनस 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके जो है डिवाइड हो जाएगा जीरो बाय में माइनस के 7, जीरो बाय माइनस 7 जो है जीरो के इक्वल होता है, तो वाई की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई यहां से जीरो, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो, ठीक है। तो जो है हम फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट ये रही, ठीक है, रूट टू एक्स प्लस के रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई यहां पर जीरो पुट करना है, रूट टू एक्स प्लस के रूट थ्री वाई जीरो पुट करना है, ब्रैकेट में पुट कर दिया इक्वल टू जीरो, ठीक है। रूट टू एक्स जीरो की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन जीरो ही होती है, ठीक है, तो प्लस के जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, रूट टू एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो ये रूट टू जो है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, जीरो बाय रूट टू हो गया, तो अब इसको जो है जीरो बाय रूट टू क्या होगा जीरो ही होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया, एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया जीरो, ठीक है। तो x की वैल्यू भी हमारे पास जीरो और y की वैल्यू भी जीरो आ गई, ठीक है, यही हमारे आंसर्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।